एक बहुत ही स्पेशल डाइट प्लान हमारी डाइटिशियन अंकिता रावत ने बनाया है, जो कि एक एक्सपर्ट डाइटिशियन है और इन्होंने बहुत लोगों की वेट लॉस जर्नी में मदद की है। तो ये डाइट प्लान मैं आज आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल डाइट प्लान है जिसे थायराइड वाले लोग या फिर जिन्हें कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है वो भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो इस प्लान में सिंपल घर का खाना ही है, बट अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो या फिर इसमें से कुछ सूट नहीं करता हो तो फिर आप इसी प्लान में से किसी और चीज़ के साथ उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इस प्लान में आपको बहुत सी वैरायटी देखने को मिलेगी और लगेगा ही नहीं कि ये एक वेट लॉस डाइट है। इस प्लान को फॉलो करके आप हेल्दी वे में वेट लूज तो कर ही सकते हो और साथ में थायराइड और उसके सिम्टम्स को भी इजीली मैनेज कर सकते हो। अगर आपको ये प्लान पसंद आए और आप अपने लिए कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको ये सभी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थायराइड स्पेशल वेट लॉस डाइट प्लान। डे वन से शुरू करते हैं। अर्ली मॉर्निंग में अगर आप थायराइड की मेडिटेशन लेते हैं तो अपनी मेडिसिन के 30 मिनट्स के बाद आपको रोज अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेना है, जिसमें आपको लेना है कोरिएंडर सीड वाटर। सो कोरिएंडर सीड्स को पानी में भिगोकर लेने से थायराइड में हेल्प मिलती है, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग थायराइड एक हार्मोनल इशू है जो कि वात और कफ के इम्बैलेंस से होता है, और कोरिएंडर सीड्स वाटर बॉडी में सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये विटामिन B1, B2 और B3 का भी अच्छा सोर्स है, इसलिए थायराइड में कोरिएंडर सीड वाटर लेना बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके बाद आप लेंगे 10 ग्राम्स भिगोए हुए मिक्स्ड नट्स और 5 ग्राम्स चिया सीड्स। सो नट्स और सीड्स को भिगो के लेने से हमारी बॉडी इनके न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। ऐसा करने से इन्हें डाइजेस्ट करना भी ईजी हो जाता है। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं एक पीस वेजिटेबल एंड पनीर सैंडविच, जिसके साथ आप एक कप ग्रीन या फिर ब्लैक टी भी ले सकते हैं। थायराइड में पनीर एक अच्छा वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है, और जिन लोगों को चाय लेना पसंद है वो कम दूध वाली बिना चीनी की चाय भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद आप लेंगे 100 ग्राम वाटरमेलन, या फिर आप वाटरमेलन मोइतो भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक वीडियो में शेयर की थी, आप इसी चैनल पे उस रेसिपी को देख सकते हैं। सो लंच से कुछ देर पहले आपको एक ग्लास इन्फ्यूज्ड वाटर लेना है, जिसे बनाने के लिए आप एक ग्लास पानी में क्यूकुम्बर, जिंजर और लेमन डाल सकते हैं। सो एक्चुअली यू कैन एन्जॉय दीज इन्फ्यूज्ड वाटर्स एवरी डे। सुबह उठ के ही आप पानी में इस तरह की वेजिटेबल्स डाल दीजिए और फिर इसे पूरा दिन सिप करते रहिए। अब चलते हैं लंच पे, जिसमें आपने लेना है एक रागी रोटी, 150 ml, विच मीन्स लगभग एक कटोरी लौकी और दाल की सब्जी। आप तुअर दाल यूज कर सकते हैं और बनाते वक्त उसके अंदर लौकी ऐड करनी है। इस मील के साथ आप 100 ग्राम मिक्स्ड सैलेड भी ले सकते हैं। सो तुअर दाल की बात करते हैं, जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स काफ़ी लो होता है, इसे डाइजेस्ट करना इजी होता है, इसमें प्रोटीन होता है, कैलोरीज कम होती हैं, इसलिए तुअर दाल और लौकी एक बहुत ही हेल्दी मील है जो कि थायराइड मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल है। सैलेड में आप कोई भी नॉन क्रूसिफरस सब्जियां जैसे कि लेटस, कैरेट, टमेटो, क्यूकुम्बर्स ले सकते हैं। आई एम श्योर आप जानते ही होंगे कि क्रूसिफरस वेजिटेबल्स हाईली गाइट्रोजेनिक होती हैं और ये बॉडी में थायराइड हॉर्मोन्स यानी कि T3 और T4 को बनने से रोकती हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये सब्जियां आप बिल्कुल नहीं ले सकते, ओकेजनली और अच्छे से कुक करने के बाद आप इन्हें खा सकते हैं। लंच के बाद आप लेंगे एक ग्लास सत्तू छास। सो सत्तू जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और छास एक बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक है, ये दोनों चीज़ें मिलकर एक बहुत ही यमी ड्रिंक बनाती हैं जो आपकी बॉडी को कूल भी रखती है। इवनिंग स्नैक में आपने लेना है 100 ग्राम्स नट्स एंड सीड्स की चाट। इस चाट को बनाने के लिए आप 10 ग्राम्स रोस्टेड चना और 10 ग्राम्स सनफ्लावर या फिर पम्पकिन सीड्स लेंगे। इसमें 30 ग्राम्स चॉप्ड अनियन, 30 ग्राम्स चॉप्ड क्यूकुम्बर और 20 ग्राम्स चॉप्ड टमाटो लेंगे। ये सब चीज़ें मिला के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और लेमन जूस डालेंगे और इसी के साथ आपकी बहुत ही बढ़िया चाट बनके रेडी है। ये डिश सेलेनियम और जिंक में रिच होगी। रोस्टेड चना की जगह आप चाहें तो ब्राज़ील नट्स या फिर पीनट्स भी ले सकते हैं, जो कि थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं और थायराइड के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अब डिनर से पहले अगर पॉसिबल हो तो एक कप जीरा वाटर ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपके डिनर की डाइजेशन अच्छे से होगी, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग नहीं होगी, गट भी हेल्दी होगा, जिससे थायराइड में हेल्प मिलेगी। वैसे जीरा वाटर के ऊपर मेरी एक कंप्लीट वीडियो है जिसे आप ज़रूर देखिए, इसमें मैंने जीरा वाटर के बहुत से बेनिफिट्स के बारे में बताया है। अब डिनर में आपने लेना है एक पीस मूंग दाल चीला और साथ में आप होममेड ग्रीन चटनी ले सकते हैं,
और डिनर के बाद मैं रेकमेंड करूंगी कि आप सोने से पहले एक कप आई एम वाउ नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी जरूर लीजिए, क्योंकि इसमें 7 अलग अलग हर्ब्स एंड फ्लावर्स हैं जिससे बहुत ही अच्छी नींद आती है। चलते हैं डे 2 पे। अर्ली मॉर्निंग 200 ml कोरिएंडर सीड वाटर, सोक किए हुए नट्स और चिया सीड लेने हैं। थायराइड के केस में मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सुबह उठकर सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जिन लोगों के पास वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, वो भी अपने रूम में ही मैट बिछा के सूर्य नमस्कार के 11 राउंड्स कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है बल्कि एक ऐसा फ्लो है जिससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। इससे वेट मैनेजमेंट में तो हेल्प मिलती ही है, बॉडी के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बनता है। और अगर पॉसिबल हो तो सूर्य नमस्कार के बाद आप एक मॉर्निंग वॉक पे भी जा सकते हैं। दिस विल रियली हेल्प यू मैनेजिंग योर थायराइड एज वेल। नाउ ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं 2 पीस इडली विद 20 ग्राम्स ऑफ कोकोनट चटनी। ये इडली आप दाल और राइस की तो बना ही सकते हैं, राइस की जगह पे आप ओट्स या फिर कोई मिलेट फ्लावर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे 100 ग्राम्स ऑफ मस्क मेलन। सो वाटरी फ्रूट्स लेना बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम होती हैं। ये मोस्टली मीठे भी होते हैं और फिलिंग भी होते हैं। सो सीजनल वाटरी फ्रूट्स आर अ मस्ट हैव। और थायराइड के केस में सभी फ्रूट्स जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इन्हें लिमिट में लेना चाहिए क्योंकि ये स्टोन फ्रूट्स हैं और ये गाइट्रोजेनिक होते हैं। फिर लंच में लेना है 100 ग्राम ब्राउन राइस, साथ में 100 ग्राम सांबर और 120 ग्राम भिंडी की सब्जी। अब अगर आपके पास ये दो चीज़ें बनाने का वक्त नहीं है तो आप सिर्फ 200 ग्राम सांभर भी बना सकते हैं जिसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। इस मील के साथ आपको 100 ग्राम्स मिक्स्ड सैलेड भी लेना है। लंच के बाद आप फिर से एक ग्लास सत्तू वाली छाछ इंजॉय कर सकते हैं। इवनिंग में आपने 100 ग्राम पफ्ड राइस चाट लेनी है, विच इज़ अ वेरी लाइट एंड अ हेल्दी स्नैक ऑप्शन। डिनर में आप लेंगे पालक और ओट्स की टिक्की, जिसके 3 मीडियम साइज्ड पीसेज ले सकते हैं। इसे आप ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो। इसे आप हल्के से ऑयल में सिर्फ पैन फ्राई करोगे। अगर आप इन्हें नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली 200 ग्राम वेजिटेबल ओट्स भी ले सकते हो। एंड डू यू नो, ओट्स खाने से ना नींद भी अच्छी आती है, बिकॉज ये स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन को बढ़ाता है। सो डिनर में लेने से आपको अच्छी नींद आती है। डिनर के बाद आप आई एम वाउ नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी भी ले सकते हैं। चलते हैं डे 3 पे। अर्ली मॉर्निंग आप लोगे 1 ग्लास लेमन वाटर। इसके लिए आपको लूक वार्म वाटर में सिर्फ लेमन ऐड करना है। फिर ब्रेकफास्ट में 150 ग्राम वेजिटेबल उपमा लेना है। मिड मॉर्निंग में आप 100 ग्राम वाटरी फ्रूट ले सकते हो। लंच से पहले इन्फ्यूज्ड वाटर लेंगे, जिसमें आज आप क्यूकुम्बर एंड सेलरी लीव्स डाल सकते हो, और अगर सेलरी लीव्स ना हो तो आप कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया भी डाल सकते हो। नाउ लंच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया देन यू हैव टू ट्राई दिस। आपको लेना है 1 पीस राजमा पराठा। यस, यू हर्ड मी राइट, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। बॉयल्ड राजमा को स्लाइटली मैश करके उसका पराठा बनाना है, बहुत ज़्यादा मैश करके उसका पेस्ट नहीं बनाना। इट शुड बी अ लिटिल चंकी। इसे आप पुदीने की चटनी के साथ और 1 कटोरी क्यूकुम्बर रायता के साथ ले सकते हो। आपको पता है कि क्यूकुम्बर में 90% वाटर कॉन्टेंट होता है, जो कि गर्मियों में आपको हाइड्रेटेड भी रखता है। इवनिंग स्नैक्स में हम लेंगे 25 ग्राम मखाना एंड पीज की चाट। इसके लिए आपको 15 ग्राम रोस्टेड मखाना और 15 ग्राम ग्रीन पीज लेने हैं। देन डिनर में आप लेंगे 1 पीस उत्तपम और 1 टेबलस्पून कोकोनट चटनी। उत्तपम के लिए आप रेगुलर दाल और राइस का बैटर यूज कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने कई बार कई सारी वीडियोज में शेयर भी की है। और फिर डिनर के बाद आई एम वाउ नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी लेंगे और एक अच्छी सी नींद सो जाएंगे। डू यू नो, थायराइड या फिर इस तरह के लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इनसफिशिएंट स्लीप। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सोने और उठने के टाइमिंग्स को फिक्स कर लें और हर रात 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप ज़रूर लें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डे 4। अर्ली मॉर्निंग 1 ग्लास लेमन वाटर और साथ में सोक्ड मिक्स्ड नट्स एंड सीड्स लेंगे। ब्रेकफास्ट में आज आपको लेना है 2 मीडियम पीसेस बेसन का चीला और इसके साथ होममेड पुदीने की चटनी। फिर मिड मॉर्निंग में कोई भी वाटरी फ्रूट ले सकते हैं, यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ कीवी। लंच से पहले 1 ग्लास इन्फ्यूज्ड वाटर लेंगे, और इस बार आप पानी में क्यूकुम्बर और जिंजर के साथ कोई सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज या फिर मौसमी ऐड कर सकते हैं। फ्रूट का बस 1 ही स्लाइस डालिए, नहीं तो फिर पानी कड़वा हो जाएगा। लंच में हम 1 पीस ओट्स के आटे की रोटी लेंगे। अगर ओट्स फ्लार नहीं हो तो फिर आप ज्वार की रोटी भी ले सकते हैं। इसके साथ 200 ग्राम छोले की सब्जी लेनी है और 100 ग्राम मिक्स्ड सैलेड लेनी है।
डू यू नो छोले यानी कि चिकपी कॉपर का अच्छा सोर्स होते हैं और कॉपर थायराइड में बहुत हेल्पफुल होता है, तो इसलिए इसे अपनी डाइट में आप ज़रूर ऐड कीजिए। एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि अगर आपको अपने लिए कस्टमाइज्ड मील प्लानिंग करवानी हो तो आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसमें आपको एक डाइटिशियन का सपोर्ट भी मिलेगा और आपकी वेट लॉस जर्नी काफ़ी शॉर्ट, ईजी एंड एक्साइटिंग हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ चैट कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं डाइट प्लान पे। लंच के बाद आप एक ग्लास सत्तू छाछ लेंगे और फिर इवनिंग स्नैक में हाफ पीस एप्पल के साथ आप एक चम्मच पीनट बटर ले सकते हैं। ये मेरा फेवरेट स्नैक है। एप्पल एंड पीनट बटर मेक्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। नाउ डिनर में यू कैन हैव 200 grams of सांभर एंड राइस। डू यू नो सांभर और राइस को आप एक साथ भी बना सकते हो। ये एक बहुत ही डिलीशियस वन पॉट रेसिपी है जिसे बनाना बहुत सिंपल है और खाने में बहुत मज़ा आता है। डिनर के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 10 से 15 मिनट की वॉक पे ज़रूर जाएं। खुली जगह पे और ताज़ी हवा में वॉक करने से हमारा स्ट्रेस दूर होता है, इसलिए जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट की वॉक हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और हार्मोन बैलेंस करने में हेल्प करती है। अब चलते हैं डे 5 पे। अर्ली मॉर्निंग लेंगे 200 ml ऑफ ACV एप्पल साइडर विनेगर वाटर विद सोक्ड नट्स एंड सीड्स। अगर आप ACV नहीं लेना चाहते तो आप लेमन वाटर भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में लेंगे 150 grams ऑफ वेजिटेबल मसाला ओट्स। एक टिप देती हूँ, अगर आपको मसाला ओट्स बोरिंग लगते हैं तो आप इन्हें बिल्कुल वैसे ही बनाइए जैसे कि आप पोहा या फिर उपमा बनाते हैं। मीन्स वैसे ही राई, कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च का तड़का लगा के। इसे बहुत टेस्टी भी बनते हैं। अगर आपने इस तरह से कभी बनाया है तो मुझे कॉमेंट करके बताइए। अब मिड मॉर्निंग में रोज़ की तरह फ्रूट्स लेंगे और फिर लंच में 100 ग्राम राइस, वाइट राइस भी ले सकते हैं, और 250 ml पालक और बेसन की कड़ी लेनी है। जैसे आप अपनी रेगुलर कड़ी बनाते हो वैसे ही बनाना है, बस पकौड़े की जगह पे इसमें पालक को चॉप करके ऐड करना है। पालक कड़ी के साथ ही मिक्स होके अच्छे से पक जाएगी और ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी भी लगती है। इसके साथ आप 100 ग्राम मिक्स्ड सैलेड भी ले सकते हैं। सो ये हो गया हमारा लंच। अब चलते हैं इवनिंग स्नैक पे, जिसमें आपने 2 पीस मसाला पापड़ लेना है। इसके लिए आपको पापड़ के ऊपर चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर, अमचूर, धनिया, हरी मिर्च ऐड करना है। बहुत ही लाइट और यमी स्नैक है जिसे आप एक कप ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं। डिनर में आप मूंग एंड चना दाल के कबाब लेंगे। सो 3 medium-sized दाल कबाब्स जो कि काफ़ी फिलिंग और डिलीशियस होंगे। इन्हें आप होममेड ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं डे 6 पे। अर्ली मॉर्निंग आपने लेना है 1 glass ACV वाटर विद सोक्ड मिक्सड नट्स एंड सीड्स। मिड मॉर्निंग में आप लेंगे कोई भी वाटरी फ्रूट या फिर आज आप बनाना भी ले सकते हैं। देन ब्रेकफास्ट में 150 ग्राम पावर पोहा लेना है। वट इज़ पावर पोहा? इसे बनाने के लिए नॉर्मल पोहा की रेसिपी में ही बॉइल्ड चिकपी यानी कि छोले ऐड होते हैं। इसकी रेसिपी भी आपको IMWOW रेसिपीज चैनल पे मिल जाएगी। देन लंच में हम लेंगे 300 ग्राम दलिया खिचड़ी। जस्ट लाइक नॉर्मल खिचड़ी, इसमें आपको राइस की जगह पे बस दलिया ऐड करना है। धनिया और दाल सेम रेशो में होगी। इसे आप 150 ग्राम बॉटल गॉर्ड रायता के साथ ले सकते हैं। बॉटल गॉर्ड रायता लो कैलोरी और हाई फाइबर होता है। ये वेट लॉस करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। चलते हैं इवनिंग स्नैक्स पे, जिसमें हम मखाना चाट लेंगे। इसके लिए आपको 20 ग्राम रोस्टेड पॉक्सनट यानी कि मखाने लेने हैं और 20 ग्राम क्यूकुम्बर, 20 ग्राम टमाटो, 20 ग्राम अनियन को ऐड करना है। गार्निशिंग के लिए आप ऊपर से अनार भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब डिनर में लेंगे 200 ग्राम तड़का दही ओट्स। जैसे कि कर्ड राइस होते हैं वैसे ही कर्ड ओट्स भी बनते हैं। ये खाने में बहुत डिलीशियस होते हैं। अगर आपका डिनर के बाद कुछ मीठा खाने का मन करे तो फिर आप एक पीस डेट ले सकते हैं या फिर एक छोटा सा गुड़ का पीस ले सकते हैं। चलते हैं डे 7 पे। अर्ली मॉर्निंग आपने 1 glass कोरिएंडर सीड वाटर लेना है। मिड मॉर्निंग आप अपनी पसंद का कोई भी वाटरी फ्रूट लीजिए। ब्रेकफास्ट में 200 ग्राम काला चना चाट लेंगे। ये बहुत डिलीशियस लगती है। लंच में लेंगे किनवा पुलाव, जिसके साथ 100 ग्राम रायता ले सकते हैं। सो किनवा पुलाव की रेसिपी भी मैंने इसी चैनल पे शेयर की है। देखो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस तरह की रेसिपीज कैसे पता चलेंगी, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन वाली बेल भी ऑन कर लीजिए। चलते हैं इवनिंग स्नैक में, जिसमें आपने लेना है 100 ग्राम पॉपकॉर्न चाट। सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने मखाना चाट बनाई थी। फिर डिनर में हम लेंगे 1 piece मूंगलेट विद ग्रीन चटनी। मूंगलेट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिश। इट्स सुपर डिलीशियस, यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। इसकी रेसिपी भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी।
डिनर के बाद हम लेंगे आई एम बाउ नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी। इस टी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज ये था थायराइड स्पेशल वेट लॉस डाइट प्लान। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन फिट रहो।